हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग शहर के बाहर हिल्स में ट्रेकिंग करने के लिए गए थे, जहाँ पर उन लोगों ने नेचर को एंजॉय किया एंड विंग को बहुत अच्छा फील हुआ। विंग अपने वर्क से बहुत प्यार करता है, इंजीनियरिंग करना उसका पैशन है, उसे न्यू चीज़ें इन्वेंट करना, क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, बट उसे अपने काम में बिजनेस लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो क्रिएट तो करना चाहता है बट उस चीज़ के थ्रू बिजनेस करना उसे अच्छा नहीं लगता, एंड बिजनेस करना बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। पूरे दिन सिर्फ मीटिंग्स, क्लाइंट्स, इन सब में बीत जाता है। आज विंग के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग फ्राइडे था, उसके लिए आज बहुत ही लॉन्ग फ्राइडे था। आज उसने बहुत काम किया है, सिर्फ आज ही नहीं पूरा वीक उसने बहुत काम किया है। इस पूरे वीक में वो लंजन से एक बार भी नहीं मिल पाया था एंड ये चीज़ विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आज उसे एक एनोइंग क्लाइंट भी मिला था, तो आज विंग के लिए बहुत ही बुरा दिन था। वो बहुत ही टायर्ड था, वो सिर्फ अपने घर जाके शावर लेके सोना चाहता है। वो इस पूरे वीकेंड में कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ सोना चाहता है। वो घर आया एंड वो बेड पे लेट गया एंड तभी उसका फ़ोन कंटिन्यू बजा जा रहा था। विंग को बहुत ही हीटेड फील हो रहा था, वो रेस्ट लेना चाहता है। क्या वो इतना भी नहीं पा सकता? उसने इस चीज़ को इग्नोर किया बट फिर से फ़ोन बज रहा था। अब विंग को बहुत गुस्सा आया, वो फाइनली फ़ोन के पास गया एंड तभी उसने देखा ये फ़ोन और किसी का नहीं, लंजन का था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया क्योंकि अब बहुत रात हो चुका है, लंजन को तो अभी सो जाना चाहिए, बट अभी उसका कॉल क्यों आ रहा है? विंग बहुत डर गया, उसे लगा कि शायद लंजन को कुछ हुआ है एंड इसलिए वो विंग को कॉल कर रहा है। अगर ऐसा ही कुछ हुआ होगा तो विंग अभी कभी लंजन के पास चला जाएगा। विंग ने कॉल को रिसीव किया एंड जैसे उसने रिसीव किया उसने सुना कोई कह रहा है, हॉट एंड कोल्ड, स्वीट एंड सोर। ये वॉइस एक ड्रंकन इंसान का था एंड विंग ये वॉइस पहचानता है, ये वॉइस लंजन का है। विंग ने फिर से ध्यान से सुना, देन विंग ने कहा, लंजन? तभी लंजन ने कहा, विंग। लंजन के ये वॉइस सुन के विंग शॉक्ड हो गया, उसने कहा, क्या तुम ड्रंक हो? लंजन ने कहा, बट इसे तो जूस होना चाहिए था, ये दिखने में तो जूस ही लगता है। लंजन ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे किसी ने बिट्रे किया है। विंग को बहुत गुस्सा आया, वो सोच रहा था किसकी इतनी हिम्मत हुई कि लंजन को उसने ड्रिंक कराया। विंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा था, वो सोच रहा था कौन है वो इंसान एंड तुम किसके साथ क्लब पे गए हो, तुमने कभी कहा नहीं कि तुम क्लब में जाते हो, देन हम दोनों एक साथ जाते, क्या तुम्हारे साथ कोई मैन है, क्या तुम अकेले हो? बट विंग ये सब क्वेश्चन लंजन को नहीं पूछ पाया। लंजन ने कहा, देन इस इंसान ने मेरे हाथ से मेरे फ़ोन छीनने की कोशिश किया। ये सुन के एक और इंसान हंस रहा था, विंग सुन सकता था। विंग फ्रोंड हो गया, उसके अंदर का गुस्सा अब एनोयंस में बदल गया। तभी उस तीसरे इंसान ने लंजन को कहा, क्या अब तुम मुझे फ़ोन दोगे? लंजन ने कहा, नहीं। तो उस इंसान ने कहा, कम ऑन, तुम यहाँ पूरी रात तो नहीं रुक सकते, मुझे उसे सब कुछ बताना होगा ना, एंड मैं तुम्हें पूरी रात नहीं संभाल सकता, तो तुम्हें अभी कभी मुझे अपना फ़ोन देना होगा। ये बोलकर उस इंसान ने थ्रेट दिया बट लंजन ने कहा, विंग। लंजन के वॉयस सुनकर लग रहा था कि लंजन कंप्लेन कर रहा है ताकि विंग उस इंसान को डांटे, एंड वो इंसान फिर से हंसने लगा एंड सडनली विंग के अंदर एक अलग ही फील हो रहा था, तो उसने कहा, लंजन उसे अपना फ़ोन दो, मुझे उससे बात करने दो। तो लंजन ने कहा, नहीं तुम सिर्फ मुझसे बात करो। विंग ने शाई किया एंड सॉफ्ट वॉइस में कहा, कम ऑन, बी गुड, मेरी बात सुनो। कुछ टाइम के लिए लंजन चुप रहा, देन लंजन ने कहा, क्या तुम यहाँ पर आओगे? लंजन कैसे सिली वॉइस सुन के विंग ने स्माइल किया, उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, बट मुझे प्रॉपर एड्रेस चाहिए, राइट? तो इसके लिए तुम्हें उसको अपना फ़ोन देना होगा। ये सुन के लंजन ने कहा, ठीक है। देन लंजन ने उस इंसान को अपना फ़ोन दिया। उस इंसान ने विंग से कहा, सो ब्रदर और बॉयफ्रेंड? विंग ने कहा, क्या? उस इंसान ने कहा, वेल ये कह रहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसे यहाँ से लेकर जाएगा। ये सुनकर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। तो उस तीसरे इंसान ने कहा, ओ तो तुम उसका भाई हो शायद। ये सुन के विंग को गुस्सा आ गया, उसने कहा, मैं उसका भाई नहीं हूँ। ये सुन के उस एनोइंग मैन ने कहा, तो सच में उसका बॉयफ्रेंड है? हाँ। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। विंग ने कहा, क्या आप तुम कुछ यूज़फुल थिंग बताओगे?
उस एनोइंग मैन ने कहा, ओ राइट, ये बहुत ही फनी स्टोरी है। मेरा नाम मो श्यानू है एंड मैं यहाँ का बारटेंडर हूँ। तुम्हारा एडोरेबल बॉयफ्रेंड यहाँ पर पास आउट हो गया। मैंने सिर्फ उसे एक ही ड्रिंक दिया था एंड उसे पी के ही वो ऐसे ड्रंक हो गया। एनीवेज, मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश किया बट वो उठ नहीं रहा था, तो मैंने उसका फ़ोन लेने की कोशिश किया ताकि मुझे उसका कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड मैं उसे घर भेज सकूँ। एंड तभी वो जाग गया एंड मेरी तरफ ग्लेयर करने लगा जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने कहा, ये बार कहाँ पर है? देन मोशानू ने विंग को प्रॉपर एड्रेस दिया। एड्रेस पाने के बाद मोशानू को विंग ने कुछ ऐसा कहा जो विंग कहना नहीं चाहता था। विंग ने कहा, जब तक मैं ना पहुँचूँ क्या तुम तब तक वेट कर सकते हो? मैं तुम्हें उसके लिए पे कर सकता हूँ, मैं थोड़ा दूर हूँ तो मुझे जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मोशानू ने कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ एंड ऐसे क्यूट इंसान को ऐसे ड्रंक हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम अपना टाइम लेकर आओ, कोई बात नहीं। ये बोल के उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स विंग ने सेकंड भी वेट नहीं किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम विंग ने इतना इंपेशनली ड्राइव किया। इनफैक्ट विंग अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी इतना इंपेशनली ड्राइव नहीं करता जो वो आज कर रहा है। फाइनली वो बार पे पहुंच गया। उसे लंजा को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लंजा ही है जो बार के लिए इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहना हुआ है। यूजुअली लोग बार पे अपने नॉर्मल क्लोज में जाते हैं, कोई फॉर्मल ड्रेस में नहीं जाता, बट लंजा फॉर्मल ड्रेस में आया है जो बार के लिए इनअप्रोप्रिएट है। जैसे ही विंग ने लंजा को देखा, उसने देखा कि लंजा के सामने वो एनोइंग इंसान है जो लंजा को स्माइल करते हुए देख रहा है एंड लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा है। ये देख के विंग के अंदर कुछ हो रहा था। वो हर्डली लंजा के पास चला गया एंड उसके बहुत क्लोज गया जो नेसेसरी नहीं था। विंग को ये पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया एंड जैसे ही विंग लंजा के पास गया, लंजा के फेस पे एक अलग ही स्माइल आ गया जैसे कि उसने कोई लॉटरी जीता हो। उसने अपने आप को मोशनू से टर्न किया एंड विंग को टाइटली हग कर लिया। लंजा का फेस विंग के नेक में था एंड ऐसे सडन एक्शन से विंग खुद शॉक्ड रह गया। एंड तभी विंग का नज़र मोशनू के ऊपर गया जो उन दोनों को देख रहा था एंड उसे देख के विंग ने भी लंजा को ऑटोमेटिकली हग कर लिया। लंजा ने शाई किया एंड वो विंग के हग में मेल्ट हो गया। तभी मोशनू ने कहा, ओके तो अब मेरा काम हो गया, मुझे जाना चाहिए। इससे पहले मोशनू जाता, विंग ने उसे रोका और कहा, ये लो कुछ मनी, थैंक यू। मोशनू ने कुछ टाइम तक विंग के मनी को देखा एंड देन उसने कहा, ओके रिच मैन से मनी लेना कोई पाप तो नहीं है। ये बोल के उसने मनी को एक्सेप्ट किया। देन मोशनू लंजा की तरफ लीन हुआ और कहा, तो इट्स गुड बाय देन, टेक केयर क्यूटी। ये सुन के लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ा। उसने मोशनू को देखा तक नहीं एंड लंजा के ऐसे एक्शन से विंग को अंदर ही अंदर हॉट फील होने लगा। मोशनू ने विंग से कहा, मैंने उसे पानी पिलाने की बहुत कोशिश किया बट उसने नहीं पिया, तो तुम उसे पिला देना, ओके? विंग ने नोट किया। देन मोशनू ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड? विंग ने कहा, पूछो। मोशनू ने कहा, ये हॉट कोल्ड स्वीट सोर ये क्या है? ये सुन के विंग कन्फ्यूज हो गया एंड अब लंजा ने मोशनू की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया। ये देख के मोशनू को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम्हें टीज करना कितना फन है। ये सुन के विंग को गुस्सा आ गया। उसने एक गुस्से वाला साउंड किया तो मोशनू ने कहा, ऑल राइट माई बैड। ये बोल के मोशनू वहाँ से चला गया। लंजा एंड विंग कुछ टाइम तक वैसे ही खड़े थे एक दूसरे को हग करके। देन विंग ने कहा, अब घर चलो। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा बट विंग को सुनाई नहीं दिया तो विंग ने लंजा के फेस को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, क्या? लंजा ने कहा, मैं हंग्री हूँ। जब लंजा ये बोल रहा था, विंग की आइस लंजा के लिप्स के ऊपर था जो बहुत सेक्सी दिख रहा था। देन विंग ने अपने फेस टर्न किया एंड अपने आप से कहा कि वो ड्रंक है एंड विंग को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो विंग ने कहा, ऑल राइट तुम क्या खाना चाहते हो? लंजा ने कहा, ड्राई नूडल्स। विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है मैं एक ड्राई नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ जो तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। ये बोल के विंग ने अपने फ़ोन निकाला बट लंजा गुस्सा हो गया। वो विंग के फ़ोन छीनने वाला ही था तभी विंग ने कहा, क्या हुआ? लंजा ने कहा, मैं मियाँ मियाँ का नूडल्स चाहता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मियाँ मियाँ ने कहा था कि एक चीप स्टिकी प्लेस है जहाँ पर बहुत अच्छा ड्राई नूडल्स मिलता है।
अब विंग और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। वो सोच रहा था कि लंजा एक चीप डर्टी प्लेस से नूडल्स खाएगा, ये विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो विंग ने कहा, ओके कहाँ है वो प्लेस? लंजा ने कहा, हम मियाँ मियाँ से पूछ सकते हैं। ये बोल के लंजा ने अपने फ़ोन निकाला, बट विंग ने लंजा के फ़ोन छीन लिया इससे पहले कि लंजा मियाँ मियाँ का कॉल करे एंड ये सब पूछे। विंग ने कहा, आई एम श्योर मैं वो प्लेस तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। लंजा ने नोट किया और कहा, ओके। देन विंग ने लंजा के हाथ पकड़ा और कहा, अब चलो यहाँ से। बट लंजा ने अपने हाथ विंग के हाथ से छीन लिया। देन लंजा ने उन दोनों के हाथों को ज्वाइन किया, जो सच में बहुत रोमांटिक था। एंड इस एक्शन से विंग के अंदर कुछ हुआ, बट विंग ने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो लोग विंग के कार के सामने गए, तभी लंजा रुक गया। उसने कहा, उस बारटेंडर ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी मेरे फ़ोन छीनने के लिए। ये बोल के लंजा ने पाउट किया एंड विंग ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया ताकि वो लंजा को अभी इस हालत में किस ना करे। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो अभी लंजा को कार में पुश करे एंड बहुत ही रफली किस करे, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड उसने कहा, इट्स ऑल राइट, अब मेरे पास तुम्हारा फ़ोन है ना? लंजा ने नोट किया और कहा, देन वो लोग ड्राइव करने लगे। उनकी जर्नी में वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। दिन कुछ दूर जाते ही विंग ने पूछा, लंजा ये हॉट कोल्ड स्वीट सोर क्या है? लंजा ने कहा, तुम। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ सॉन्ग सुनने लगा। दिन कुछ दूर जाते ही विंग को एक रेस्टोरेंट मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंजा ने कहा था। एंड वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन थी जो ऑलरेडी अपने शॉप को क्लोज कर रही थी। विंग ने कहा, क्या यह शॉप ओपन है? उस वुमेन ने कहा, मैं तुम्हें सर्व करने के बाद क्लोज कर दूंगी। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। विंग ने मेन्यूज देखा, देन उसने ड्राई नूडल्स ऑर्डर किया। तभी लंजा ने कहा, उनमें से एक नूडल्स स्पाइसी बनाना। ये सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा, वो लंजा को अम्यूजिंगली देखने लगा। देन विंग ने एक हनी ड्यू मिल्क टी भी ऑर्डर किया। उनका फूड आ गया एंड वो लोग खाने लगे। एंड सच बात तो ये है कि विंग को ये नूडल्स बहुत अच्छा लगा, नूडल्स बहुत ही डिलीशियस था। एंड सडनली वो नूडल्स विंग के लिए फेवरेट हो गया। लंजा ने भी चुपचाप खाना खाया। देन जब लंजा वो ड्रिंक पी रहा था, विंग लंजा को देख रहा था। देन उसने शाय की और कहा, आज का रात उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सैड हो? विंग ने स्माइल किया और कहा, नहीं बस आज बहुत ही लॉन्ग डे था। ये सुनकर लंजा ने अपना टी विंग को ऑफर किया, बट विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड वो अपना खाना खाने लगा। लंजा ने कुछ मोमेंट के लिए विंग को देखा एंड देन उसने अपने टी से स्ट्रॉ निकाला एंड विंग को सिर्फ ग्लास ऑफर किया। ये देख के विंग ने हंसा और कहा, विंग ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने स्ट्रॉ के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया था, यू सिली। तभी लंजा विंग के क्लोज गया और कहा, देन थोड़ा सा पी लो, शुगर तुम्हारा मूड अच्छा कर देगा। ये सुनकर विंग ने आई रोल किया। उसने कहा, विंग ने कहा, जब तुम ड्रंक होते हो तब तुम और भी ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हो, क्या तुम्हें पता है? लंजा ने कहा, देन लंजा ने स्ट्रॉ को उठाया एंड फिर से ग्लास में डाल दिया एंड देन उसने विंग को वो ड्रिंक ऑफर किया। इससे पहले विंग वो ड्रिंक लेता, लंजा ने अपना ड्रिंक एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट किया, देन उसने फिर से ऑफर किया। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम सुपरस्टिशियस हो? लंजा ने कहा, सिलेक्टिवली। ये सुनकर विंग ने कहा, इसका क्या मतलब है? लंजा ने कहा, विंग को मिसफॉर्चून नहीं होना चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब अगर किसी और को मिसफॉर्चून हो तो ठीक है? लंजा ने कहा, ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा हंसने लगा। देन उसे ड्रिंक को एक्सेप्ट किया एंड थोड़ा सा पिया और कहा, सो स्वीट। लंजा ने कहा, ये देख के विंग ने शाई किया एंड अपने हेड को शेक किया। आज का उसका पूरा दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, बट स्टिल वो आज का रात कभी भी भूल नहीं पाएगा। उनका खाना कंप्लीट हो जाने के बाद विंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड स्काई को देख रहा था। तभी लंजा ने कहा, क्या तुम्हें फिर से आज कोई अनोइंग क्लाइंट मिला था? विंग ने स्माइल किया और कहा, ऐसा ही कुछ। ये सुनकर कुछ मोमेंट के लिए लंजा चुप था। देन उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें चीयर अप कैसे करना है, मेरे साथ चलो। ये सुनकर विंग ने कहा, अभी हम घर जाने वाले हैं बस, ओके? ये बोल के वो लंजा को खींचने लगा, पर लंजा वहाँ पर स्टबर्नली बैठा हुआ था। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया, बट लंजा ने एक पप्पी फेस बनाया। तो विंग ने पाउट करते हुए कहा, मैं सच में बहुत स्लीपी हूँ। लंजा ने कहा,
मैं नहीं चाहता कि विंग सैड होकर सोए। ये सुन के फाइनली विंग ने हार मान लिया। उसने कहा, ओके हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुन के फाइनली लंजा सेटिस्फाइड हुआ एंड वो विंग के साथ जाने लगा। लंजा विंग को एक किड्स पार्क में लेकर आया। ये देख के विंग ने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सुन के लंजा ने पाउट किया तो विंग ने कहा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खेलने वाला, ओके? कोई भी सवारी नहीं करूँगा मैं, वरना ये सब टूट जाएगा। लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं टूटेगा, मियाँ मियाँ ने कहा है कि यहाँ पर हम खेल सकते हैं। ये सुन के विंग ने ग्रोन किया। वो सोच रहा था मियाँ मियाँ ने लंजा को क्या कर दिया है। देन विंग ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग पुलिस बुलाएंगे। लंजा ने कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, गॉड आई कांट बिलीव दिस, माई इमेज माई रेपुटेशन। बट लंजा ने कुछ भी नहीं सुना। वो विंग को फोर्सफुली राइड के लिए लेकर गया। उन लोगों ने राइड किया एंड सच में विंग को बहुत अच्छा लगा। बट राइड की वजह से विंग का सर घूम रहा था तो उसने अपने सर को लंजा के शोल्डर में रखा। तो लंजा ने पूछा, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? विंग ने नोट किया और कहा, हाँ वेरी मच। लंजा ने कहा, कभी भी सैड होकर मत सोना। विंग ने कहा, जो भी तुम कहो। बट लंजा के बात सुन के विंग को अंदर अंदर थोड़ा वार्म फील हुआ, उसे अच्छा लगा। देन विंग को रियलाइज हुआ कि अभी उसे लंजा को घर लेकर जाना होगा एंड उसे बेड पे लेटाना होगा, जो विंग के लिए एक नाइटमेयर है क्योंकि ड्रंक लंजा बहुत जिद्दी है। बट फाइनली विंग ने लंजा से उसका एड्रेस पूछा एंड वो लंजा को ड्राइव कर लेकर गया। देन जब वो लोग लिफ्ट में थे, लंजा लिफ्ट के बटन के साथ खेल रहा था। बट विंग ने लंजा को रोका। देन विंग सोच रहा था, वो आज के बाद से कोई भी ड्रंक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। देन उसे याद आया कि कैसे लंजा उसे हक किया था एंड कैसे मोशन लंजा को देख रहा था। ये सोच के विंग ने डिसाइड किया कि अगर लंजा की बात हो तो वो थोड़ा एक्सेप्शन कर सकता है। फाइनली वो लोग लंजा के अपार्टमेंट में पहुंच गए। विंग ने लंजा को काउच के ऊपर बैठाया एंड देन वो किचन में चला गया वाटर लाने के लिए। देन उसने लंजा को वाटर ऑफर किया बट लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया एंड देन लंजा हंसने लगा, बिल्कुल एक ड्रंक इंसान की तरह। लंजा को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे कुछ फ़नी चीज़ें याद आ गया हो। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा के हाथ में ग्लास दिया और कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? लंजा ने थोड़ा सा वाटर पिया एंड वो फिर से हंसने लगा। देन वो विंग की तरफ लीन हुआ। विंग लंजा के सामने घुटनों में बैठा हुआ था। लंजा लीन हुआ एंड विंग के लिप्स में किस किया एंड उसके लिप्स को सक किया। ये देख के विंग हंसने लगा। उसने कहा, तुम सेमलेस इंसान। लंजा ने फिर से किस किया एंड देन वो फिर से हंसने लगा। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, तुम ना सच में बहुत ही वर्ल्ड हो, तुम ना। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने अपने फिंगर को विंग के लिप्स में रखा उसे चुप कराने के लिए। देन उसने कहा, विंग को मत बताना कि मैंने उसे किस किया है। ये बोल के लंजा ने फिर से विंग के चिक्स में किस किया। विंग ने अपने हंसी को रोकने की बहुत कोशिश किया। देन उसने कहा, क्यों नहीं? लंजा ने कहा, जस्ट मत बताना। विंग ने कहा, यू नो व्हाट, अगर तुम इस पूरे वाटर को फिनिश करोगे तब मैं विंग को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड उसने पूरा वाटर फिनिश किया एंड देन उसने फिर से विंग को किस किया, एक बार नहीं बहुत बार। एंड देन फाइनली विंग लंजा को बेड पे लेकर गया। बेड पे लेकर जाने से पहले विंग ने लंजा का ड्रेस चेंज किया, उसे नाइट ड्रेस पहनाया, उसे फ्रेश किया एंड देन लंजा बेड पे जाकर लेट गया। देन विंग ने एक पेन एंड पेपर लिया एंड लंजा के हैंगो पर उतरने का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा एंड लंजा के बेड के पास रख दिया। एंड देन विंग वहाँ से जाने ही वाला था तभी उसे सुनाई दिया कि लंजा कुछ कह रहा है। विंग लंजा के पास आया एंड घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है? लंजा ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेजेंट लेकर आओगे? विंग ने कहा, किस लिए? लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, संडे मेरा बर्थडे है। ये बोल के लंजा ने पाउट किया। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, ओके मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आऊँगा। ये सुन के लंजा ने सॉफ्टली स्माइल किया। देन लंजा ने कहा, तुम मेरे लिए कितना गुड हो। ये बोल के लंजा फाइनली सो गया। लंजा को ऐसे देख के विंग को अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। विंग को पता है कि वो अपना बाउंड्री क्रॉस कर रहा है बट स्टिल वो लंजा की तरफ लीन हुआ एंड लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड फाइनली वो वहाँ से निकल गया एंड ड्राइव करके अपने घर आ गया। घर आके
वो आज की रात के बारे में सोच रहा था। लंजा उसे कैसे देख रहा था, वो कैसे बिहेव कर रहा था। विंग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आ गए। ये सब सोचते हुए विंग सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठा, उसने अपने फ़ोन चेक किया तो वहाँ पर लंजा का बहुत सारे मैसेज था, जहाँ पर वो माफ़ी मांग रहा था एंड पूछ रहा था कि क्या उसने कुछ गलत किया है। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा को उस मोशन के अलावा और कुछ भी याद नहीं। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर पेन हुआ। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे पता है कि अच्छी बात है कि लंजा को कुछ भी याद नहीं, बट स्टिल विंग कहीं ना कहीं चाहता था कि लंजा को सब कुछ याद रहे। बट एनीवेज, संडे बहुत ही स्पेशल होने वाला है। विंग ने उस दिन के लिए अपने सारे शेड्यूल क्लियर कर दिया एंड रिडिक्यूलसली दो एक्सपेंसिव टिकट्स बुक किया। एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो जो सब कर रहा है इसके लिए वो बहुत बड़ा ट्रैवल में पड़ने वाला है। बट विंग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लंजा के लिए इतना तो कर ही सकता है। इस तरफ लंजा ड्रंक होने के बाद जब वो नेक्स्ट डे नींद से उठा, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पिछले दिन ड्रंक था, बट उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने एक्चुअली किया क्या था। उसने विंग से माफ़ी मांगी एंड पूछा कि उसने एक्चुअली किया क्या था, बट विंग ने सिंपली रिप्लाई किया कि लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। देन लंजा विंग को सब कुछ बोलना चाहता था कि वो एक्चुअली क्या फील करता है, उसके साथ शेयर करना चाहता था। लंजा ने एक लॉन्ग मैसेज टाइप भी किया, बट देन उसे उसने डिलीट कर दिया। देन उसने फिर से टाइप किया एंड देन उसने फिर से डिलीट कर दिया। वो बार बार ऐसा ही कर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। ये सब सोचते हुए वो अपने फ़ोन के स्क्रीन को देख रहा था, तभी उसकी नज़र विंग के लिखे हुए नोट पर गया जो टेबल के ऊपर था। वहाँ पर लिखा हुआ था उठने के बाद ये पिल्स खा लेना, बहुत सारा वाटर पी लेना एंड कुछ ब्लेंड कॉन्गी खाना, जो एक्चुअली तुम रोज़ खाते हो, हे एंड अगर हेडेक हुआ तो सो जाना, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करना एंड वीकेंड में ओवर स्लिप करना कोई बुरी बात नहीं है। विंग इस नोट को लंजा बार बार पढ़ने लगा। वो लिटरली इसे 77th टाइम पढ़ रहा था। लंजा के लिप्स में एक अलग ही स्माइल थी। लंजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने लाइफ में इतना भी सीली हो सकता है कि वो एक नोट देख के हंसेगा। बट ऑफकोर्स ये विंग है एंड विंग का नोट है। लंजा को याद आ रहा था कि विंग ने एक बार कहा था कि विंग को लगता था कि लंजा उससे हेट करता था, बट रियल बात तो कुछ अपोजिट ही है। लंजा को विंग पर क्रश था। जब से विंग ने उन रैबिस को बचाया था, तब से लंजा उसका दोस्त बनना चाहता था। बट लंजा को पता नहीं था कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं एंड जब लंजा सीखा, बट उस दिन के बाद से जब भी विंग लंजा को टीज करता था, लंजा गुस्सा नहीं होता था। उसके अंदर एक अलग ही फील होता था जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग का दोस्त बने, बट वो कुछ कह नहीं पाता था। एंड फाइनली जब स्कूल ख़त्म होने को आया, तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अब वो लोग चिल्ड्रन नहीं हैं। लंजा को पता था कि विंग इंजीनियरिंग परस्यू करेगा, क्योंकि यही विंग का ड्रीम है, लंजा को पता है। एंड लंजा श्योर था कि विंग एक स्टार है एंड वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सकता है। दिन लंजा को अपने बारे में भी रियलाइज़ हुआ कि उसका भी एक ड्रीम है, जो छोटा ड्रीम है बट बहुत ही प्रीशियस है लंजा के लिए। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो एंड विंग बहुत अलग है, लाइक एक दूसरे के ऑपोजिट, एंड वो दोनों एक नहीं हो सकते। जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ, वो लोग अपने अपने कॉलेज में गए, तब लंजा विंग को बहुत मिस करने लगा। लंजा को पता था कि उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, उसे मूव ऑन करना है। लंजा ने ऐसा ही किया, बट उसके दिल के कॉर्नर में विंग रह गया था। दिल लंजा ने अपने कॉलेज कम्प्लीट किया, उसे एक अच्छा कैरियर मिल गया, अब उसके पास अपना कैरियर है, उसका दोस्त है, बट फिर भी लंजा के अंदर एक खालीपन सा था। मियाँ मियाँ ने लंजा के लिए बहुत सारे ब्लाइंडर्स अरेंज किया था, बट लंजा को किसी में भी कोई फील नहीं आया। किसी ने भी लंजा के अंदर वो चीज़ नहीं जगा पाया जो विंग ने किया था। एंड देन मियाँ मियाँ के बर्थडे में विंग आया एंड इतने सालों बाद लंजा ने पहली बार विंग को देखा। विंग और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है, टॉल हो गया है, उसका स्माइल भी ब्राइट हो गया है। लंजा के लिए विंग हमेशा से ही ब्यूटीफुल था, बट वो अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। विंग को इतने साल बाद देखकर लंजा बिल्कुल खो गया था। वो बार बार विंग को देख रहा था। विंग को फिर से देखकर लंजा के अंदर पुराना फीलिंग्स जाग उठा। सच बात तो यह है कि लंजा ने कभी विंग पर मूव ऑन किया ही नहीं था। विंग उसके दिल में ही था, उसके क्रश बनकर, जो आज भी है। दिन जब विंग उसके पास आया,
उसे हंगरी नज़र से देखने लगा। लंजे के अंदर कुछ हो रहा था, उसे भी पता नहीं कि वो क्या था। दिन जब विंग ने लंजे से किस के बारे में पूछा, तब लंजे के अंदर कुछ हुआ एंड वो मना नहीं कर पाया। उसे पता था कि अगर वो किस करेगा तो लंजा कुछ और भी करेगा, वो सिर्फ किस में सेटिस्फाइड नहीं होगा। पर स्टिल उसने हाँ कहा एंड वो भी विंग को किस करने लगा। एंड इन द एंड वही हुआ, वो लोग किस से भी आगे बढ़ गए। एंड लास्ट में वही हुआ जिसके लिए लंजा डर रहा था। विंग के लिए लंजा सिर्फ हुकअप था। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रॉमिस किए वहाँ से निकल गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग के लिए सिर्फ वन टाइम अफेयर था और कुछ भी नहीं। पर स्टिल लंजा के लिए ये लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा, वो विंग की इसी मेमोरी को लेकर जिएगा। बट देन विंग उसके पास वापस आया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो बार बार लंजा के पास वापस आता रहा एंड वो जब भी लंजा को देखता था वो वैसे ही जॉय एंड पैशन के साथ स्माइल करता था। वो लंजा से बात करने लगा, लंजा के साथ सब कुछ शेयर करने लगा, उसके काम के बारे में, उसके लाइफ के बारे में। एंड लंजा सुनता रहा एंड जब लंजा शेयर करने लगा तब विंग भी सुनता रहा। दिन वो लोग अपने अपने फेवरेट जगह पर जाने लगे। विंग लंजा के साथ फ्रीली बात करने लगा, फ्रीली रहने लगा। वो लंजा के साथ कहीं भी सीईओ नहीं था, सिर्फ विंग था। एंड धीरे धीरे लंजा को रियलाइज़ होने लगा कि वो विंग के प्यार में पड़ रहा है। विंग से पहले लंजा को प्यार का मतलब समझ में नहीं आता था, बट अब धीरे धीरे विंग के प्यार में पड़ने के बाद लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि प्यार बहुत ब्यूटीफुल है, बट प्यार में रिस्क भी है। लंजा को पता था कि उन दोनों के बीच में प्यार में पड़ना फॉरबिडन है, क्योंकि विंग ने उनके रिश्ते में खुद लिमिटेशन सेट किया है जिसे लंजा तोड़ नहीं सकता। बट देन उसे अपनी माँ की हर एक हैप्पी स्टोरीज़ की याद आने लगी एंड लंजा होपफुल होने लगा। एंड एवरी डे वो विंग के प्यार में और भी ज़्यादा पड़ने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।